गरीब परिवारों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। एक साल बढ़ाई गई उज्ज्वला सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी। जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी किया गया बड़ा इजाफा। किसानों और संबंधित श्रमिकों को होगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी का शनिवार को कर्नाटक दौरा। राज्य को देंगे विकास की नई सौगात। चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का करेंगे शुभारंभ। बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। दावणगेरे में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश दुनिया में हो रही है काशी के विकास की चर्चा। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को पीएम ने किया संबोधित। भारत के प्रयासों को बताया टीबी के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का नया मॉडल। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता। लोकसभा सचिवालय ने जारी की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना। भाजपा ने राहुल के बयान को बताया पूरे ओबीसी समाज का अपमान। कहा, राहुल का अहंकार बहुत बड़ा और समझ है बहुत छोटी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए उठाए जाएंगे सभी कदम। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय मिशनों के सामने हंगामे के मामले में भरोसे के बजाय देखना चाहते हैं एक्शन। संबंधित सरकारों द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जताई उम्मीद। दूसरे हफ्ते भी नहीं चल सकी संसद। दोनों पक्षों में गतिरोध कायम। बीजेपी राहुल की माफी पर अड़ी। विपक्ष करता रहा जेपीसी की मांग। लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक पारित। वित्त मंत्री ने पेंशन मामलों पर विचार संबंधी समिति के गठन की दी जानकारी। गहन मंथन के बाद जरूरी सुझाव देगी समिति। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बेंगलुरु में क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। अमित शाह ने कहा कि नशीली दवाओं को लेकर सरकार की है जीरो टॉलरेंस नीति। कहा, यह किसी सरकार की नहीं बल्कि जन जन की है लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गरीब परिवारों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अहम और बड़े निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को एक साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी एक सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 2400 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी को अगले एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9,60,00,000 महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यानी कि 9,60,00,000 बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको एक साल में ले सकती हैं उस पर लाभ मिलने वाला है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें इस साल बड़ा इजाफा किया गया है। जो 2018 में निर्णय लिया गया कि लागत जो किसान की आती है प्लस 50% मुनाफा, ये सुनिश्चित करेंगे। तो इस बार का जो जूट का है उसमें भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की मुकाबले, पिछले वर्ष 4,750 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपया कर दिया है प्रति क्विंटल। और ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इसे 40,00,000 जूट के किसानों को फायदा मिलेगा और लगभग 4,00,000 श्रमिकों को भी, जो इनको रोजगार जूट के ऊपर निर्भर है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा।
सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है, इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ हुआ। डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपये डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पीएम मोदी शनिवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। पीएम चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कर्नाटक में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अव्यवसायीकरण के विजन के तहत किया गया है। यह संस्थान मेडिकल शिक्षा और सभी के लिए चिकित्सा सेवा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराएगा। यह संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2023 से काम करना शुरू करेगा। इसमें 100 MBBS सीटों पर निशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। यह कर्नाटक के लोगों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। 350 से अधिक बिस्तरों वाला श्री सत्य साई सरला मेमोरियल अस्पताल भी इस संस्थान का हिस्सा है। We are so very excited and happy that our honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी is coming here tomorrow morning to inaugurate the new institution Sadguru Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, which is the first of its kind in importing completely free of cost medical education, residential education, all boarding, lodging, all the educational equipment, books required, completely free of cost. प्रधानमंत्री विश्वेश्वरैया संग्रहालय भी जाएंगे। ये शानदार संग्रहालय भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की स्मृति को समर्पित है। इसमें उनसे जुड़ी यादों को सहेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी मुद्देनहल्ली में विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। हमारे फैमिली बहुत एक्साइटेड है, खाली हमारे फैमिली नहीं पूरा गांव एक्साइटेड है कि पहले बार एक प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इधर मोदी जी ने, और हमको उसको धन्यवाद और शुक्रिया देने का है कि वो आ रहा है, इतना दूर आ रहा है सर हम विश्वेश्वरैया के बर्थ प्लेस में मुद्देनहल्ली में और समाधि और म्यूजियम देखने के लिए। अपने कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड कादुगोड़ी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो लाइन आवागमन को और आसान बनाएगी और शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगी। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड मेट्रो स्टेशन से केआरपुरम मेट्रो स्टेशन के बीच में मेट्रो सेवा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मेट्रो सेवा में 12 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये रैली भाजपा द्वारा कर्नाटक में 4 अलग-अलग दिशाओं से चलाई गई विजय संकल्प यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में हो रही है। नीरज सिंह और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इन 28 परियोजनाओं से काशीवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज काशी के विकास की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी कैंट से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास शामिल है। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में वाराणसी में हुए विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने
अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी उसमें जल जीवन मिशन के तहत 19 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है। पेयजल की इन योजनाओं से 63 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। पीएम ने कहा कि आज केंद्र और यूपी में गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि लोग भले ही उन्हें प्रधानमंत्री बोलें, वे खुद को उनका सेवक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों को चश्मे का वितरण किया। मोतियाबिंद रोग मुक्त वाराणसी बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलाया जा रहा है। पीएम ने बैंकों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऋण लेने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों, सांसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं और विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी संवाद किया। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला और हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की मेंबरशिप को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी का विवादित बयान देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। मानहानि केस में बुरे फंसे राहुल, पहले हुई 2 साल की सजा, अब गई लोकसभा की सदस्यता। क्या होगा वायनाड सीट पर उपचुनाव? मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट से सजा पाने के बाद राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। ये झटका है लोकसभा की सदस्यता से जुड़ा। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर रद्द कर दी गई। राहुल केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। 24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत के फैसले के परिणाम स्वरूप केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी की सदस्यता दोषी साबित किए जाने की तारीख से रद्द की जाती है और वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं। इस फैसले का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सांसद नहीं रहे और अब वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वैसे सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। अगर राहुल गांधी की सजा के फैसले पर ऊपरी अदालतें रोक लगा देती हैं तो सदस्यता बहाल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर राहुल अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह 6 साल के लिए अयोग्य रहेंगे। दरअसल मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयानबाजी की थी। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इस मामले में राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है और कहा है कि ये फैसला कानून के मुताबिक हुआ है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर दे करके, एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं।
इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। अगर कोई भी दो और दो वर्ष से ज़्यादा कन्विक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। वॉट एवर हैपन टू राहुल गांधी टुडे दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 years मोर देन at least not more than 8 people have been disqualified, 2 have resigned after the incident came out. Why they are making so much of hue and cry, I don't understand. अगर आप ये देखेंगे सात जगह ये बेल पर है, जमानत पर है, एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। देश के संविधान के आगे, कानूनों के आगे सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो छोटे लोग हों। आज जो भी वो कह रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे क्या नहीं, ये उनको 2019 से लेके अभी तक इतने तरीकें पड़ी हैं, इतने वर्डन ऑफ प्रूफ उन पे था, उनके वकीलों के पास था, वो बताते कि वो क्या कहना चाहते थे। बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी को ही फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया तो डेमोक्रेसी की हत्या है, और आपने क्या सच बोला? आप तो गाली दे रहे थे, क्या सारे मोदी चोर हैं? इस देश के अंदर कम से कम 1-2 करोड़ लोग होंगे जो मोदी सरनेम रखते हैं, और अधिकांश पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हैं, क्या सारे लोग चोर हैं? यही आपका सत्य है या यही गांधी की अहिंसा है? तो देखिए, पहले बोल देने से नहीं होता है कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि फैसले के बाद तुरंत सजा का प्रावधान है। बीजेपी के मुताबिक अध्यादेश फाड़ने वाले खुद उसकी चपेट में आ गए हैं। There is a provision created in law specifically called 202 which says if allegedly I commit a defamatory offense in place X, in this case Kolar, Karnataka, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat, mandatorily obliged. Pawan Khera ji ki warrant ke chand ghanton mein baad, 1-2 ghante ke baad, wo court ki darwaja khatkhataye, court se relief leke gaye. Unko kon mana kiya tha pichle 24 ghante mein court jane ke liye? Aap to ek habitual offender हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनके प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जानकारों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। फिलहाल तो राहुल की सदस्यता चली गई है और अब इंतजार है ऊपरी अदालत के फैसले का कि क्या वो सजा को रोकती है या फिर सजा बरकरार रखी जाती है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मेंबरशिप रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल ने पिछड़े समाज का अपमान किया है। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने प्रहलाद पटेल से खास बातचीत की। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। सर, अगर बात करें राजनीति में शुचिता, नैतिकता और सच्चाई, इन मुद्दों को छोड़कर अगर कोई राजनीतिक परिदृश्य रखता है तो किस तरह के परिणाम आते हैं? अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पिछड़ी जाति का एक प्रतीक है मोदी, और उसका टाइटल का अपमान करना और
ये राहुल गांधी ने अपराध किया उसके तहत एक न्यायालय ने सजा दी है। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि राफेल पर जब राहुल गांधी ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब क्षमा याचना की थी लिखकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि भविष्य में आप सचेत रहना कि ऐसी गलती आपसे ना हो। उसके बाद राहुल गांधी ने ये गलती की है। हमने 4 साल तक इंतज़ार किया और 4 साल के बाद में जब गुजरात के एक कोर्ट ने फैसला किया, तो मैं ये मानता हूँ कि वो तो 2 वर्ष की सज़ा कोर्ट ने दी है। जब ये जनता की अदालत में जाएंगे तो उन्हें 20 साल का या आजन्म कारावास भी हो सकता है। क्या भविष्य की संभावनाएं होगी राहुल गांधी के लिए, क्या विकल्प बचे होंगे? मुझे लगता है कि अगर वो संविधान को समझते हैं और जिस सत्य हिंसा की आपने बात की है, अगर वो सत्य को स्वीकार करते हैं, तो राहुल गांधी को उस दिन का स्मरण करना चाहिए जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस अध्यादेश को फाड़ कर ये कहा था कि 6 साल नहीं 2 साल जिसको सजा हो उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए। अगर राहुल गांधी इसमें माफ़ी मांग लेते तो उसमें उनका कद बड़ा होता, लेकिन ये नहीं करने की वजह से स्थिति पैदा हुई, तो इस तरह की चीज़ें भविष्य में क्या संकेत देती है? न्यायाधीश का धन्यवाद करूंगा कि न्यायाधीश ने इनको मौका दिया था। अगर ये क्षमा याचना करते तो शायद इनका बड़कपन भी होता और सप्री स्थिति का सामना न करना पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष के बयानों से लगता है कि वो इसका राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? कांग्रेस सामंती प्रवृत्ति की पार्टी है। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस का कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं जा सकता। खड़गे जी ने भी वही किया जो एक सामंतों के नीचे काम करने वाले लोग करते हैं। न्यायालय पर उनकी टिप्पणियां उनको भी भारी पड़ेंगी। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका मानना कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता के साथ साथ अनर्गल बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड को लेकर देशवासियों को सचेत, सजग और सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश में कोविड की स्थिति अभी नियंत्रण में है और फिलहाल डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार कोविड की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, हमें बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, सीजन बदला है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। जो केसेस हो रहे हैं वो मामूली बीमारी की तरह हो रहे हैं, लेकिन हमें सजग रहना है। हम सबको टीके लगे हुए हैं, सीरियस बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनको और बीमारियां हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको मास्क लगाना है। अगर घर में ऐसा व्यक्ति है जिसके कि सिम्टम हो रहे हैं, या वो भीड़ में जा रहे हैं, या घर में ही बहुत ज़्यादा या कम बंद कमरों में ज़्यादा है, तो मास्क का प्रयोग करिए। आपको सिम्टम है तो मास्क का प्रयोग करिए। हाँ, जब भी सिम्टम आते हैं तो हमें पता करना है कि ये कोविड है कि नहीं, तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और टेस्टिंग होती है, पता चलता है, तो हम अपने आप को सजग रखते हैं और इलाज करते हैं। इसके ऊपर सरकार की पूरी नज़र है। जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आज मुलाकात की। कुछ महीनों के बाद कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक सप्ताह के अंदर ममता बनर्जी की यह तीसरी रीजनल पार्टी के नेताओं से मुलाकात है। SD कुमार स्वामी विशेष विमान से कोलकाता पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट से वे सीधे कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के निवास पर पहुंचे। वहां दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बैठक हुई। उधर विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए सरकार सभी कदम उठाएगी। मंत्रालय का कहना है कि भगोड़े अपराधी अमृतपाल को पकड़ने के लिए एजेंसियां लगी हुई हैं। सरकार का कहना है कि भारत अपने मिशनों के सामने हंगामे के मामले में भरोसे की जगह एक्शन देखना चाहता है। उधर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संगठन CDRI का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 4 और 5 अप्रैल को होगा। CDRI में अलग अलग देशों के सदस्य इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव और उपायों पर चर्चा करेंगे। आपदा के समय सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए और मानव जाति को होने वाली क्षति से कम उसके लिए किया जाए, इस पर भी सम्मेलन के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। CDRI के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 31 देशों के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 8 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। भविष्य में आपदारोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन का स्वरूप कैसा हो, इसकी रूपरेखा पर सम्मेलन में प्रमुखता से विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल वी आर कमिंग अप
for our fifth international conference. The CDRI has started to establish a brand in this space. Globally, there's recognition now that we organize this annual event. We're doing it again on the 4th and 5th of April. We've got 90 plus global experts registered for it. As of this morning, there were around 1,600 people who had registered to participate virtually or in person. अभी इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए DD News.